देखिए, हमारे यहाँ बारादरी में 25 तारीख को एक साइबर फ्रॉड किया गया था ज्ञानेश नाम के एक व्यक्ति के साथ, और उसको फोन करके उनके एटीएम का कोड पूछ कर 60,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें से 50,000 रुपए की उसने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की थी और 10,000 रुपए अपने वॉलेट में एम पैसा में ट्रांसफर किया था। इसकी तुरंत ही सूचना साइबर सेल को और क्राइम ब्रांच को प्राप्त हुई, तो इसमें साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस विंग की टीमें जो है पूरी इसमें सक्रिय हुई, और फिर कॉलर की डिटेल प्राप्त की गई, तो उसकी लोकेशन कॉलर की हमको बरेली में ही प्राप्त हुई। इसमें हमारी सारी टीमों ने उसकी घेराबंदी की और उस लड़के को अरेस्ट किया। उसका नाम गुड्डू मंडल है, ये कर्मा टांड जामतारा झारखंड का रहने वाला है। आप लोग जानते हैं कि जामतारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से इस तरह के साइबर अपराधी जो हैं वो पूरे देश में जगह जगह ठगी करते हैं। हमारे जनपद में ही ऐसे 13 केस दर्ज हुए थे जिनमें साइबर अपराधियों के एड्रेस जो हमको प्राप्त हुए थे वो जामतारा और उसके आसपास के क्षेत्र के ही प्राप्त हुए थे, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर सेल और ये हमारी सर्विलांस सेल पहले से ही काम कर रही थी। जो ये लड़का पकड़ा गया है गुड्डू, इसकी जो है छोटी बहन वो हमारे यहाँ ही ब्याही है बरेली में ही, और उसका बहनोई यहाँ रहता है। उसके यहाँ 10 दिन पहले इसने बरेली में आया था ये, और फिर 25 को ही इसने फ्रॉड करके ये काम किया। जब ये टीम हमारी सक्रिय हुई क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की, तो इन लोगों ने उसको तुरंत ब्लॉक कराया, पूरा पैसा होल्ड कराया, जो इसके वॉलेट पे गया था वो पैसा वापस वादी के उस पर ट्रांसफर किया गया है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये पहली बार हुआ है कि जब जामतारा का कोई अपराधी हमारे चंगुल में आया है। इससे बहुत गहराई से पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, उनकी मोटस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से लोगों को फंसाते हैं और इसके तकनीकी पहलुओं पे कैसे इनको महारत हासिल है, किस तरह इसका प्रशिक्षण लेते हैं, संबंध में विस्तार से हमारी टीम लगी हुई है। तीनों ब्रांचेज हमारी लगी है, वो पूछताछ कर रही है। हाँ, इससे पहले भी ये जामतारा में ही गिरफ्तार हुआ था और 2 महीने जेल में रहा था। ये अपने एक फ्रेंड के साथ, प्रीतम के साथ जेल गया था और 2 महीने बाद इसकी मां ने इसकी जमानत कराई थी। इसी तरह का फ्रॉड उसने ऑनलाइन फ्रॉड किया था।